भजनलाल सरकार में गृह मंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुभाष बत्रा ने कुलदीप बिश्नोई के आवास पर इनकम टैक्स छापे को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी 72 साल की उम्र में आज तक ऐसा नहीं होते देखा कि किसी के आवास पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगातार 3 दिन तक जांच के नाम पर कार्यवाही चलती रहे और कुछ ना निकले। पूर्व गृह मंत्री ने कहा, वर्तमान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वेष की भावना के साथ कार्यवाही कर रही है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक भय का माहौल बनाने में जुटी है। सुभाष बत्रा ने कहा कि समस्त किसान कांग्रेस की ओर से इसे पूर्व प्रकरण की कड़ी निंदा करते हैं। सुभाष बत्रा आज आगामी 28 जुलाई को हिसार में प्रस्तावित किसान सम्मेलन को लेकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस के जो नेता है, कद्दावर नेता है कुलदीप बिश्नोई, पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के सपुत्र हैं, उनके आवास और व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है विभिन्न क्षेत्रों में, उन पर लगातार छापे इनकम टैक्स की, तो किस तरीके से ये एक ईर्ष्या से भरा हुआ खेल है। और 3 दिन से ऐसा मैंने कभी, मेरी 72 साल की उम्र हो गई, मैं चौधरी भजनलाल जी के कैबिनेट में वजीर था, होम मिनिस्टर था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप 3 दिन तक सारे परिवार को नज़रबंद करके रखो, रात को जाने भी ना दो, निकलने भी ना दो, हवा को अंदर एंटर ना करने दो, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको जो दस्तावेज चाहिए, जो आपने रेड की है, क्या 72 घंटे रेड चलती है? आज भी रेड हो रही है दिल्ली निवास पे, आदमपुर मंडी में, आपके ये इनके गुड़गांव फार्म हाउस में, इनके हिसार के अंदर कोठी पे, ये एक द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, एक राजनीतिक विधानसभा चुनाव से पहले एक प्रेशराइज करने की नीति है। और हम सारे यहाँ जितने बैठे हैं किसान कांग्रेस के, इसको बुरी तरह से कंडम करते हैं और इसको एक ईर्ष्यापूर्ण एक कार्रवाई का एक नतीजा बता। स्टेट लेवल को राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी, जिस तरीके का किसान कांग्रेस ने दिया, वो चुप्पी क्या कहता है? नहीं, देखिए, सभी अपने अपने लेवल पर अब देंगे, वो सब दे रहे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।